આપણે ગાયને સાંભળવાની છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા આપણે આ કવિતા નો રાગ શીખી લઈએ. चाहे आंधी आए या बारिश
पानी अलग है बारिश, चाहे आंधी आए या बारिश आए तो भी वो खुशी रहते हैं और सबको मुस्कुराते हुए ही देखते हैं। क्या बात, सूरज की किरणों को देखो, सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग जग चमकाती है। क्या पछि एम कहे छे कि सूरज की किरणों को देखो, सूरज की किरणों को भी देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आती है। अर्थने रोजे रोज सूर्य छे ये क्यारे उगवान भूलतो नथी, 5 मिनिट लेट થઈ જાય તો સૂર્ય અથવા 1 કલાક લેટ થઈ જાય તો પછી આ કામમાં આધી કલાક લેટ થઈ જાય તો ક્યારે એવું બન્યું છે નથી બન્યું ને? સૂરજ છે એ કાયમી પ્રતિદિન રોજ અપની જગ્યા પે આ જાતા હે ઓર સારે જગ કો ઉસકી રોશની સે ચમકા જાતા હે પ્રકાશિત કર દેતા હે તો ઉસકો દેખો। इस पंक्ति में हमें क्या समझाते हैं कि सूरज के किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आती है, वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है। वैसे ही हमें भी अपना काम करने का और इस संसार में आगे बढ़ने का कोई नियम बनाना चाहिए, ऐसा ही सूरज की किरणों से हमें ज्ञान मिलता है। सूरज कभी भी उसका समय है वो कभी भी चुकता नहीं है। ऐसा कभी हुआ कि आज सूरज नहीं निकला, वो दोपहर को निकला, वो लेट हो गया, उसको ट्रेन नहीं मिली, उसको गाड़ी नहीं मिली, या वो उठने जगने में देर हो गए, ऐसा कभी बना? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सूरज को उसका काम उसे पता है कि उसको रोज सुबह आ जाना है और सारे संसार को उसके किरण से प्रकाशित करना है, वो उसका काम है। तो वो उसका काम बड़ी बड़ी सच्चाई और बड़े नियम के अनुसार वो रोज अपना काम निभाता है। उसी तरह हमें भी इस भक्ति से कुछ सीखने को मिलता है। हमें भी कुछ भी काम करना हो तो सूरज की तरह एक दृढ़ निर्णय करना होता है और फिर आगे बढ़ना होगा। और चलो आगे देखो, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। देखो उसके बाद हमें दीपक के बारे में समझाया है कि दीपक को देखो वो कैसे हरदम जलता रहता है। वो अपना अंदर जला जला कर अंदर दिल अथवा हृदय वो अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। जो दीपक को देखो वो हरदम कैसे जलता रहता है, वो अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। मित्रों तुम्हें क्या लेवन दीपक એટલે કે દીવો તમને એ તો ખબર છે ને કે દીપક નું ગુજરાતી માં શું થાય, દીપક ને ગુજરાતી માં શું કહેવાય? દીવો। हिंदी में दीप थाय पण गुजराती में दीवो। अधिकारी वाट तमे જોઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને આપણે સળગાવીએ તો એ વાટ સતત સળગતી હોય અને ક્યારે તમે જઈ કાઢવાની કોશિશ કરજો એ કેટલી ગરમ હોય છે। તો અહીંયા એવું જ કહેવા માંગે છે કે દીપક અપને અંતર કો જલાકર ક્યા દેતા હે? રોશની દેતા હે। ક્યા દેતા હે? વો અપને અંતર કો જલાકર સબકો રોશની દેતા હે। पची क्या पची? आओ हम भी इंसान बनकर देखो। अब हमें भी कुछ यहाँ कहा है, क्या कहा है? तो के चलो आओ हम भी इंसान बनकर क्या करते हैं? क्या लिखा है इंसान बनकर? तभी कहा है सामने भी देख मित्रों, जग में अपना नाम कमाए। क्या कमाए? आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अपने नाम रोशन करे और अपना यश फैलाए। उसका मतलब होता है आओ हम भी इंसान बनकर संसार में अपना नाम कमाए और अपनी यश फैलाए और अपनी हम अच्छे अच्छे काम करें। उसका मतलब होता है
हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर तो है ही और उसे ज्यादा खूबसूरत बनाने का प्रयत्न करें या कोशिश करें और हम अपनी धरती को ज्यादा सुंदर बनाए और सुगंधित भी बनाए। देखो ईश्वर ने दी हुई भेंट हमें जो आगे आपने आगे वो पाठ है ना किया, एक जगत और एक लोक, एक जगत एक लोक जो आपने आगळना पाठ में જોઈ ગયા છે એમાં કુદરતે આપણને કુદરતી એવી સુંદર અમૂલ્ય ભેટ આપેલી છે જેની આપણે ક્યારે પણ કોઈ ચાર્જ ચૂકવ્યો નથી। એવા સર્જનહારે સૂર્ય ચંદ્ર તારા હવા જે બધું ફ્રીમાં મળે છે એવું સરસ તત્વ બંધારણ કરેલું છે એમાં આ ધરતી પણ એવી ખૂબ જ સુંદર ભગવાને બનાવેલી છે। એ સુંદર તો છે પરંતુ આપણે એવા કાર્ય કરવાના અહીંયા કે છે કે ચલો હમ ભી એસે કુછ અચ્છે અચ્છે કામ કરે। કેસે અચ્છે અચ્છે કામ? પ્રકૃતિ કી તરહ, એ ફૂલ કી તરહ, સૂરજ કી તરહ ઓર દીપ કી તરહ। સૂરજ ક્યા કરતા હૈ કે રોજ પ્રતિદિન અપને સમય સે આ જાતા હૈ ઓર સારે જગ કો ઉસકી રોશની સે પ્રકાશિત કર દેતા હૈ। ઓર ફૂલ વો ખુદ ક્યા કરતી હૈ? તૂફાન बरसात का पानी सब सहकर फिर भी बगीचे में हमेशा के लिए मुस्कुराता है। और दीप, दीप तो अपने हृदय को जलाकर, दीप क्या करता है क्योंकि उसके हृदय को जलाकर सबको उजाला प्रकाशित करता है, उजाला देता है ना दीप। इसी तरह चलो हम भी कुछ ऐसा कार्य करें, हम भी कुछ ऐसे सच्चे और अच्छे कार्य करें जिसके जिसके कारण इस धरती सुंदर तो है ही किंतु सुंदर से अति सुंदर बनाए और सभी जगह पर उसकी सुगंध फैलाए। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जैसे कार्य सूरज फूल और दीप की तरह हमें भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिनसे हमारी धरती और सुगंधित बने और सुंदर बने। बराबर छे? चलो हवे आ पाठ छे अहीं पूर्ण थयो। हवे आ पाठ नु होमवर्क पेज नंबर 31 થી 34 होमवर्क विद्यार्थी मित्रों खास नोंध लो स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 31 થી 34 સુધી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરો અને પાઠું કરો। બરાબર? હવે આ પાઠમાં તમે કંઈ પણ આ કાર્યમાં તમે કંઈ પણ